नमस्कार, मैं प्रोफेसर रामबख्श, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम समकालीन साहित्य चिंतन की एक इकाई विखंडनवाद पर चर्चा करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप विखंडनवाद की अवधारणा से परिचित हो सकेंगे, विखंडनवाद के व्यावहारिक पक्ष को समझ सकेंगे और साहित्य चिंतन की प्रक्रिया में इसकी भूमिका का मूल्यांकन कर सकेंगे। 1967 में दरिदा की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ऑफ ग्रामेटोलॉजी। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद विखंडनवाद हमारे सामने आता है और इस विखंडनवाद का प्रभाव, ये एक प्रकार का दार्शनिक वाद है, और इस दर्शन का प्रभाव साहित्य, संस्कृति और कला के, राजनीति के, अर्थशास्त्र के सभी विषयों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा। तो ये जो विखंडनवाद है, इसकी साहित्यिक निहितार्थ क्या है, ये हम इसके माध्यम से जानना चाहेंगे। विखंडन का मतलब क्या है, किसे कहते हैं हम विखंडन? विखंडन का एक सीधा सा अर्थ है कि भाषा में पहले से निर्धारित या निश्चित कर लिए गए अर्थों को विखंडित कर उनकी जगह ऐसे दूसरे अर्थों को ले जाना जिन्हें पूर्व निर्धारित मुख्य अर्थ दमित, उपेक्षित या गौण बना देता है। विखंडनवाद मूलतः भाषा में पूर्व निश्चित मुख्य अर्थ की किसी नए अर्थ से विस्थापन की प्रविधि है। यह प्रक्रिया सीधी या इकरी नहीं है, श्रृंखलाबद्ध होती है। आप जानते हैं कि आधुनिक भाषा विज्ञान के प्रवर्तक, जो संरचनावाद के प्रवर्तक भी थे, सश्यूर का मानना था कि भाषा में किसी भी शब्द का अर्थ विशुद्ध या निश्चित नहीं होता। शब्द में अर्थ उसके प्रयोग या संदर्भ से आता, यानी जब कोई शब्द हम काम में लेते हैं तो उस शब्द का अर्थ उस शब्द में नहीं है, बल्कि किस संदर्भ में वो शब्द प्रयोग में लिया जाता है उस संदर्भ से उसका अर्थ आता। अब जब दरिदा ने इसकी व्याख्या की तो कहा कि भाषा के उस शब्द में एक ही अर्थ नहीं होता, एक दूसरे संदर्भ में आप उसका उपयोग करोगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा। तो ये जो बदलता है अर्थ, ये किस तरह से बदलता है, इसकी जो अर्थ की प्रक्रिया है, ये क्या है, ये विखंडनवाद इसका इसकी व्याख्या करता। यानी एक शब्द है, जैसे हम उदाहरण देते हैं कि एक शब्द है, एक कुत्ता मान लीजिए एक शब्द है, या गाय है, ये एक जानवर का एक अर्थ है। लेकिन जब एक दूसरे अर्थ में हम प्रयोग करते हैं तो ये कुत्ता शब्द का अर्थ बदल जाता है और वो गाली बन जाता है। या इसी तरह गाय है, तो गाय शब्द का एक अर्थ है, एक जानवर हमारे सामने आता है, लेकिन ये गाय जब किसी व्यक्ति पर या दूसरे संदर्भ कहते हैं तो कहते हैं कि ये व्यक्ति निरीह है। तो ये जो एक अर्थ नहीं होता शब्द में, दो तीन अर्थ होते हैं, तो एक मुख्य अर्थ होता है और दूसरा जो अर्थ होता है उसको दबा दिया जाता है। अब इसी एक शब्द के, कुत्ता शब्द गाली भी है और कुत्ता शब्द जानवर भी है। अब इस कुत्ता शब्द को जब हम गाली के रूप में प्रयोग में लेते हैं तो एक अर्थ जो जानवर वाला अर्थ है उसको हम दबा देते हैं। तो जब उसका विखंडन होता है तो जो अन्यार्थ है वो वापस सामने आकर के आता था नहीं, यानी उसका जो वर्चस्व, जिसको कहना चाहिए कि वर्चस्व है, उस वर्चस्व का विरोध करते हैं कि कोई भी अर्थ इतना ताकतवर नहीं हो कि वो दूसरे अर्थ को बदल दे या उसको कमज़ोर कर दे या दबा दे। और अब इसका विखंडन करके उस अर्थ को, जो अन्यार्थ है, उसको हम मुख्य अर्थ की जगह पर प्रतिष्ठित करते हैं। ये एक प्रकार की प्रक्रिया। एक बार एक अर्थ निश्चित हो गया, आपने विखंडन किया और सब अर्थ बदला, बदलने के बाद फिर जो अन्यार्थ है वो मुख्य अर्थ बन गया, फिर उस अन्यार्थ नुमा मुख्य अर्थ ने एक नए अर्थ की सृष्टि कर दी और वो जो है एक नया दबाव आ गया। तो एक तरह की कहना चाहिए कि विखंडन की जो प्रक्रिया है, एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, एक लगातार क्रमबद्ध प्रक्रिया, एक के बाद एक विखंडन होता रहता है। और इस तरह हर कृति का आगे चल के, हर शब्द का, हर संदर्भ का आगे जाके विखंडन होता है और इस विखंडन के साथ नए नए अर्थ की सृष्टि होती। इस प्रक्रिया का विश्लेषण दरिदा ने किया। तो दरिदा ये मानते हैं कि भाषा में और शब्द में, संरचना में कोई भी शब्द, कोई भी संदर्भ इतना मुख्य नहीं होना चाहिए, इतना प्रमुख नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे अर्थ का विखंडन कर, दूसरे अर्थ को दबा दे, और इस तरह एक तरह का वर्चस्व स्थापित होता है। ये जो वर्चस्व है, ये शब्द के अर्थ का वर्चस्व भी है और ये राजनीतिक वर्चस्व भी है। तो वर्चस्व के विरोध में, वर्चस्व के प्रति एक प्रतिरोध का स्वर, और प्रतिरोध की आवाज़ को भी हम किस तरह से सुनें,
इसके पूरे शास्त्र का निर्माण विखंडनवाद के द्वारा होता। इसलिए विखंडनवाद में अर्थ को निश्चित करने या मानने की स्थिति को ही विखंडनीय माना जाता, यानी विखंडनवाद में मुख्यार्थ ही नहीं अन्यार्थ भी खंडनीय होता, और इसे विखंडन दर विखंडन एक श्रृंखला की तरह भाषा पर लागू किया जाता। और अब इस तरह अगर हम देखें विखंडन की इस प्रक्रिया का व्यावहारिक पक्ष क्या है, तो भाषा की विखंडन की प्रक्रिया को व्यवहार में लाने के लिए दो धारणाओं का विशेष रूप में प्रयोग किया जाता। पहली, अर्थों का द्विभाजन और एक पक्ष का दमन। दूसरा, द्विविभाजित अर्थों की श्रृंखला में अन्यार्थों का अभावन। ये दो चीज़ें जब होती है तब विखंडन की प्रक्रिया आरंभ होती है। अब इसको हम कविता पर अगर हम लागू करके देते हैं, किसी भी रचना पर हम लागू करके देखें, तो हम इसके अर्थ को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब जैसे कबीर की एक पंक्ति है, हम घर आए हो राजा राम भरतार, अर्थात हमारे घर यानी हमारे हृदय में राजा राम भरतार के रूप में उपस्थित हुए हैं। अब यहाँ पर इस पंक्ति का अगर आप अर्थ करते हो, घर के अंदर कौन आता है? या तो घर में मेहमान आता है या घर का मालिक आता है। और अब इसमें चूंकि पुरुष भरतार आता है आमतौर से हमारे घर में, तो भरतार वो जो भरण पोषण करने वाला, तो यहाँ पर स्त्री का भरण पोषण पुरुष करता है, इसलिए पुरुष पति रूप में भरतार रूप में आता। जब इस सामाजिक स्थिति को देखते हैं तो इसमें से एक अर्थ स्त्री की अवमानना का भाव छिपा रहता है, अन्यार्थ में स्त्री की अवमानना होती है, क्योंकि पुरुष वर्चस्व को स्थापित किया कि भरतार, ये मुख्य अर्थ है। और इसमें अन्यार्थ में जो बाधा है वो ये है कि ये स्त्री का एक तरह का अवमानना हुई। अब दूसरा आप इसके अंदर अर्थ करिए कि हमारे घर आए राजा राम, एक तो ये कि राजा राम तो किसी के घर नहीं आते, जब किसी के घर नहीं आए वो मेरे घर आए तो मेरा बड़प्पन भी तो उससे बड़ा, और इस तरह से एक वर्चस्व का एक जो विखंडन करते हैं, तो पति को पद स्थापित करने की जगह पति को पद च्युत कर दिया कि भरतार घर आते हैं, भरतार नहीं आते राम आते हैं, भरतार तो इस मामले में कुछ नहीं। और जो भरण पोषण करता है, कबीर मानते हैं कि भरण पोषण तो ईश्वर करता है, परमात्मा करता है, सबको खाना पानी ईश्वर देता, ये जो भगवान है जो सबका भरण पोषण करने वाला सबका जो है वो मेरे भरतार के रूप में, माने भरतार का जो रिश्ता है पत्नी का वो तो वैयक्तिक रिश्ता हुआ। जो सार्वजनिक अर्थ है राम का, उस सार्वजनिक अर्थ के साथ में एक अन्यार्थ हो गया कि उससे हमारा वैयक्तिक रिश्ता है। दूसरा, वो हमें व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हैं, आपको तो एक सार्वजनिक सामान्य रूप में सारे संसार का ध्यान रखते हैं, वो एक अलग अर्थ हुआ, लेकिन मुख्य अर्थ ये कि मेरा उस राम से व्यक्तिगत रिश्ता, और वो व्यक्तिगत रिश्ता इतना प्रगाढ़ है कि वो मेरे घर पधारे। आम तौर से हम बड़े व्यक्ति के घर जाते हैं, बड़ा व्यक्ति हमारे घर आया, तो ये जो छोटे बड़े का जो भेदभाव है ये भी कहीं ना कहीं एक विखंडन की प्रक्रिया के अंदर गुजरता। दूसरी बात ये कि राजा जो है एक राजनीतिक सत्ता है, और इस राजनीतिक सत्ता के प्रति अवमानना का भाव है, इसको पदच्युत करना कि राजा राम के सामने राजा क्या है। तो तुम्हारे घर तो हो सकता है राजा आ जाए, लेकिन मेरे घर तो राजा राम आए हैं, ये राम बहुत महत्वपूर्ण है, ये राजा के जो राजनीतिक अर्थ है उस राजनीतिक अर्थ को दमित करके और राजा राम को राजा के रूप में स्थापित कर दिया। तो इस तरह से अब जब विखंडन हुआ तो पता चला कि ये जो राजा राम हमारे घर आए हैं, यानी अपनी प्रतिष्ठा की, हमारे घर आए भाई तुम्हारे घर नहीं आए, और जो ये मानते हैं कि राम का ईश्वर का तो खाली हमसे ही रिश्ता है, तो एक वर्णवादी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में माना जाता है कि उच्च कुलों से उत्पन्न व्यक्तियों का ही भगवान से रिश्ता होता है और निम्न कुल वालों का रिश्ता नहीं होता। यहाँ पर कबीर उसको उलट देते हैं कि राजा राम तुम्हारे घर नहीं आए, इसलिए जो ब्राह्मण श्रेष्ठता की धारणा है उसका यहाँ पर खंडन हो जाता है, और खंडन होकर के कबीर इसको स्थापित कर देते हैं। ये सारी प्रक्रिया जो विखंडन की होती है, उस विखंडन की प्रक्रिया को हम आगे तक बहुत दूर तक देख सकते हैं कि कैसे राजा राम हमारे घर आए। अब ये जो विभाजन है, एक तो घर और एक हृदय, हमारे घर राजा राम आए माने मेरे हृदय में आए, अब हृदय का और घर का ये जो है वे विभाजन है,
और इस विभाजन में एक अर्थ का दमन हो रहा है, दूसरे अर्थ का वर्चस्व हो रहा है। माने हृदय ने घर, जो मेरे घर आए, इस घर को कहा तो घर जा रहा है, लेकिन अर्थ उसका निकल रहा है हृदय। तो हृदय में राजा राम आए, हृदय में मेरे रहते हैं, जो अपना होता है वो अपने घर में आता है, ये मेरे इतने अपने, तो ये विखंडन हुआ। उसी तरह से राजनीतिक और सांस्कृतिक सत्ता के विभाजन की तरफ भी आता है कि सांस्कृतिक रूप में जो राम है वो सर्वशक्तिशाली, इसलिए सर्वशक्तिशाली राजा नहीं, जबकि समाज में माना जाता है कि राजा सबसे शक्तिशाली। लेकिन कबीर ने कहा राजा क्या शक्तिशाली, शक्तिशाली तो राम है। तो राम एक तरह का कहना चाहिए एक कंसेप्ट है, एक अवधारणा है हमारी, उस अवधारणा को जो परमात्मा का रूप है, उस रूप के सामने तो ये जो लौकिक राजा है, जिनको बाद में अनेक पंक्तियों में कवि कहते हैं कागज़ का मानस किया, छत्रपति सिरमौड़ कागज़ के राजा हैं, ये कोई असली राजा नहीं है, असली राजा तो राम है। तो असली राजा राम को महत्व तो देने का मतलब हुआ कि लौकिक राजाओं का के प्रति एक प्रतिरोध का स्वर कबीर के मन में, इस तरह से, और इस प्रतिरोध के माध्यम से एक स्त्री की जो पीड़ा है, स्त्री का जो अनुभव है, ये भी आता है द्वि विभाजित मामला कि पति का, पत्नी का, पत्नी खाना खाती है, पति खाना खिलाता है, वो भर्तार है उसका। तो भर्तार के रूप में पुरुष को स्थापित करने का मतलब हुआ स्त्री के प्रति एक तरह की अवमानना, और ये सारे जो अर्थ है हम विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा जानते हैं। यहाँ पर दरिदा कहते हैं कि ये हर कविता का अर्थ इतना सरल नहीं होता कि आपने आराम से एक पंक्ति कह दी कि हमारे घर राजा राम आए, तो ये कोई सामान्य से वक्तव्य नहीं है। अगर आप इसका विखंडन करेंगे तो इस विखंडन में और बहुत सारे अर्थ मिलते चले जाएंगे, और उनमें अन्य अर्थों की एक लंबी श्रृंखला, इसलिए कविता की वाक्य की के संदर्भ के साथ इस श्रृंखलाबद्ध अर्थ निकलता रहता, और इसीलिए कविता भी बदलती रहती है, साहित्य भी बदल रहता है, और साहित्य की समझ भी बदलती रहती है। आप किसी भी और कवि की, मान लीजिए आपने मुक्तिबोध की कविता का अगर आप उदाहरण देते हो कि पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, अब ये एक छोटी सी पंक्ति है और अंधेरे में कविता की बड़ी मशहूर पंक्ति है, तो पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय नहीं बदल सकता, माने बाकी हृदय में परिवर्तन हो सकता। अब हृदय परिवर्तन का जो गांधी जी की अवधारणा है और जिसको प्रेमचंद में के रचनाओं में भी मिलता है, तो कहा गया इन्होंने एक छोटी पंक्ति लिख करके कह दिया कि ये तो बदल नहीं सकता, तो एक तरह का पूंजी की अवमानना है, ऐसे हृदय की अवमानना है। तो अर्थ की ये जो परिवर्तनशीलता है, ये परिवर्तनशीलता विखंडन की बड़ी भारी विशेषता है। अब विखंडन में एक और चीज़ का की तरफ दरिदा ध्यान देते हैं, वो कहते हैं कि मुख्यार्थ का वर्चस्व स्थापित होता है और अन्यार्थ का दमन होता है, लेकिन वो अन्यार्थ उस में उपस्थित रहता, ऐसा नहीं है कि वो अन्यार्थ होता ही नहीं और बाद में विखंडन करके हम नए अन्यार्थ की सृष्टि करते हैं, हम सृष्टि नहीं करते, लेकिन वो अभावित रहता, हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारे सामने वो राजा राम है। जब राजा राम आते हैं तो राजा का को हम पदच्युत करते हुए राम आते हैं, इसी तरह भर्तार को पदच्युत करके वो हमारे घर आते हैं। तो ये जो संकल्प, ये जो अन्यार्थ है, वो अन्यार्थ उस पंक्ति के भीतर होता है, उस अन्यार्थ को हम बाहर से नहीं लाते, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देता, वो शांत रहता है, उसे दमित अवस्था के अंदर रहता है। और एक आलोचक का, एक विचारक का, एक चिंतक का काम यह है कि वो उस दमित अर्थ का अर्थ कर दे, उसको बाहर निकाल दे, और बाहर निकालने के बाद उसमें से अलग तरह की चीज़ें हमारे सामने आती। जैसे एक उदाहरण आप देखिए कि जो हमारे चरित्र हैं, पौराणिक चरित्र, उनका आप विखंडन, लोक में विखंडन हुआ है कि विभीषण का एक अर्थ यह है, जो रामचरितमानस में और बाकी सब मान्य ग्रंथों में माना जाता है कि वो उसने राम का पक्ष लिया, और राम का पक्ष लिया तो अच्छा, और जो राम के साथ है वो श्रेष्ठ है, और इसीलिए रावण के मुकाबले में विभीषण बहुत अच्छा। लेकिन एक इसका दूसरा अर्थ है जो लोक में किया, वो अर्थ ये हुआ कि भाई उसने भाई का विरोध किया, और चाहे जितना ही अच्छा हो, चाहे जितना ही सही हो, वो भाई जो है शत्रु पक्ष से जाके मिल गया। अब चूंकि शत्रु पक्ष से भाई मिल गया, और भाई को भाई के साथ ही रहना चाहिए, और ये जो कार्य विभीषण ने किया, तो उसका जो है लोक में ये अर्थ निकला, ये विखंडन हुआ कि नहीं, विभीषण अच्छा पात्र नहीं,
इसलिए आप देखते हैं कि भारतीय समाज में विभीषण नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिलता, किसी का नाम विभीषण नहीं, और जब किसी को विभीषण कहा जाता है तो उसको भ्रातृद्रोही के रूप में कहा जाता है, अपने हानि लाभ के लिए। उसको अपनी मुक्ति चाहिए थी, भगवान के उसको शरण में जाना था, बड़े राजा के पक्ष में जाना था, इसलिए उसने भाई का विरोध किया और वो अच्छा नहीं। ये विखंडन है, ये विखंडन साहित्य शास्त्रियों ने नहीं किया, ये विखंडन समाज ने किया। और इस तरह से उस विखंडन के द्वारा आप एक अर्थ करते हो, उसमें आपका अर्थ सही होता है, लेकिन दूसरे अर्थ में जो अन्यार्थ है उसका, कि भ्रातृद्रोही है विभीषण, ये जो अन्यार्थ है, ये अन्यार्थ बाद में जाके बोलता है। इसलिए विखंडनवादी कहते हैं कि हर रचना में चुप्पियाँ होती, चुप, कुछ साइलेंट होता, कुछ चुप होता, कुछ अर्थ बोलता नहीं, लेकिन जब युग बदलता तो वो चुप्पियाँ बोलने लगती है। ये चुप्पियाँ किस तरह से बोलने लगती है, तब कहेंगे कि ये चुप्पियाँ विखंडन के द्वारा हमको पता चलता है कि इससे ही रहता है। तो ये जो मुख्यार्थ और अन्यार्थ का जो संबंध है, ये बहुत जटिल संबंध है और श्रृंखलाबद्ध संबंध है, और इस संबंध के द्वारा हम इस विखंडन की प्रक्रिया को जान पाते हैं। किसी भी कविता को, रचना को, पाठ को, उसको पाठ करके ये विखंडनवादी उसके अर्थ का विश्लेषण करते हैं। अर्थ प्रक्रिया की दृष्टि से ये एक तरह की एकदम नई विधि है, जो संदर्भ के द्वारा शब्द को, भाषा को अर्थ का एक नया रूप देते हैं। इसलिए विखंडनवादी मानते हैं कि भाषा में अर्थों के विस्थापन व नव स्थापन की प्रक्रियाएं लगातार जारी रह सकती है। इसका कारण यह है कि भाषा में सभी अर्थ इच्छित, सामाजिक, संदर्भगत या निर्मित होते हैं और उन्हें इस संदर्भ से ही समझा जा सकता है। और चूंकि पाठक बदलते हैं, चूंकि संदर्भ बदलते हैं, और संदर्भ बदलते ही चीज़ों के अर्थ बदल जाते हैं, इसलिए विखंडन की प्रक्रिया लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है। जो प्राचीन शास्त्रीय दर्शन है, चाहे वो प्लेटो और अरस्तु का भी दर्शन हो या बाकी लोगों का दर्शन हो, वो व्यवस्था को स्थापित करता है। सदा सच बोलो, झूठ मत बोलो, चोरी करना पाप है, या किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये जो शास्त्रीय वाक्य है, ये व्यवस्था को बनाए और बचाए रखने के लिए, बड़ों का कहना मानो, ये वर्चस्व को दार्शनिक रूप से स्थापित करते हैं। अब इस वर्चस्व की चुनौती देने के लिए विखंडन की ज़रूरत होती है। दूसरी बात ये कि जगत में जो कुछ है वो अंतर विरोधात्मक है, कोई चीज़ एक नहीं, अच्छाई है, बुराई है, सच है, झूठ है, ये अंतर विरोध की स्थिति है, और ये अंतर विरोध संदर्भगत है। आपको जो बात अच्छी लगती है, दूसरे को वही बात बुरी लगती है, जो चीज़ हमारे पक्ष में है वो चीज़ उनके पक्ष में नहीं है। तो ये जो अंतर विरोध है, अच्छाई बुराई का, सच का, झूठ का, ये अंतर विरोध समाज की एक सच्चाई है, और इस अंतर विरोध का समाहार करने के लिए सत्ता दर्शन के स्तर पर विलयन करती, स्वीकृत करवा देती, दूसरे विरोधी को अपने पक्ष में मिला देती, और इस तरह से बात कुछ इस तरह से आती है कि ये कोई सार्वभौम सत्य है, और हर दर्शन अंततः किसी न किसी सार्वभौम सत्य की स्थापना करता। विखंडनवादी कहते हैं कि ये सार्वभौम सत्य जो होता है वो दरअसल होता नहीं है, क्योंकि इसमें एक पक्ष का दमन होता है, और उस दमन को रोकने के लिए उसका विखंडन करना, उसका खंडन करना जरूरी है, उसको चुनौती देना जरूरी है, और ये चुनौती विखंडन के द्वारा दी जा सकती है और समझी जा सकती है। इस तरह विखंडनवाद का जो मूल सिद्धांत है, इस सिद्धांत को में तीन चीज़ों का विखंडन होता है। पहली बात, पहला विखंडन होता है किसी केंद्रीय सत्ता का वर्चस्व, ये उसके अंदर स्थापित रहता है। केंद्रीय सत्ता है, सबसे बड़ी है, सबसे सही है, फिर उस केंद्रीय या मूल सत्ता में शेष सभी का विलय हो जाता, और फिर तीसरी बात यह कि शेष या अन्यों के विलय का समग्रतावादी रूप हमारे सामने बातें आता। इसलिए विखंडनवादी कहते हैं कि सिद्धांत के लिए जरूरी होती व्यवस्था की, अगर सिद्धांत को खंडित करेंगे तो व्यवस्था का आधार भी खंडित हो जाएगा। इसलिए व्यवस्था के खंडित करने के लिए, व्यवस्था का विरोध करने के लिए उस सिद्धांत का विखंडन जरूरी है। परंपरागत रूप से सिद्धांत का संबंध न केवल सत्ता से बल्कि ज्ञान के स्रोतों की खोज के रूपों से भी रहा है, अतः सत्ता के विखंडन से ज्ञान को खोजने की प्रक्रिया भी बदल जाती है। तब हम क्या करेंगे, इस आपत्ति खास तौर पर मिशेल फूको की ज्ञान सत्ता या सत्ता ज्ञान के बाबत किए गए खोज के प्रयासों की तरफ हमारा ध्यान दिलाती है।
तो सिद्धांत का संबंध भाषा के गठन और उसकी अर्थ मीमांसा की परंपरा से है और इन सब के माध्यम से सत्ता का विखंडन होता है, व्यवस्था का विखंडन होता है और जो वर्चस्ववादी जो केंद्रीय सत्ता है उसको चुनौती दी जा सकती है। इसी तरह माना जाता है कि शब्द ब्रह्म है, वाणी में ईश्वर ईश्वर निवास करता। अब ईश्वर निवास करता है इसका मतलब यह है कि ईश्वर द्वारा प्रत्येक शब्द का अर्थ दिया हुआ और वो अर्थ निश्चित है, आपको उस शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में करना चाहिए। यही हमारे भाषा के व्याकरण के आचार्यों की यही मान्यता है कि निश्चित शब्द का निश्चित अर्थ, हाथ का अर्थ हाथ, कान का अर्थ कान, पैर का अर्थ पैर, सिर का अर्थ सिर, बालों का अर्थ बाल, यही अर्थ है, यही निश्चित है। और ये अर्थ जो है वो राजा करता है या हमारे जो धार्मिक चिंतक करते हैं या व्यवस्था के समर्थक लोग करते हैं, ये माता है या पिता है, इनका आदर करना चाहिए, इनको आज्ञा देनी चाहिए, इनकी आज्ञा माननी चाहिए, आज्ञा का क्या मतलब होता है, सलाह का क्या मतलब होता है, ये सारे अर्थ निश्चित है। विखंडनवादी कहते हैं कि अगर आप इस अर्थ को मानते हो, इस निश्चित अर्थ को मानते हो, तो आप सत्ता के वर्चस्व को मानते हो। जब आप इस निश्चित अर्थ को चुनौती देते हो तो आप सिर्फ शब्द को चुनौती नहीं देते, सिद्धांत को चुनौती नहीं देते, उस पूरी सत्ता को चुनौती दे देते हो। और इस सत्ता को चुनौती देने के लिए इस विखंडन की ज़रूरत है और ये विखंडन लगातार घटित होने वाली प्रक्रिया है। ये विखंडन कभी भी समाप्त नहीं होता। आज एक अर्थ का विखंडन हुआ और दूसरा अर्थ मुख्य अर्थ की स्थिति में आ गया, कल को उसका भी विखंडन होकर के एक तीसरा अर्थ हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। तो ये एक तरह से अंतिम अर्थ जैसा कोई शब्द नहीं होता, अंतिम निश्चित अर्थ कुछ नहीं। तो ये विखंडन निश्चित अर्थ की इस धारणा का को अमान्य करते हैं, वो नहीं मानते कि कोई निश्चित अर्थ होता है, हर चीज़ बदलती है और वो खंडन के द्वारा संदर्भ के द्वारा बदलती है। इस तरह विखंडनवाद के मुख्य सूत्र अगर हम जानना चाहें तो एक दो में इस तरह कह सकते हैं। पहला, भाषा ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, वाणी भी भाषा की ही प्रोक्ति होती है। दूसरी बात, भाषा में शब्दों का अर्थ निश्चित नहीं होता, अर्थ स्थिति मूलक या पारिस्थितिक होते हैं। तीसरा, भाषा में शब्द की स्थिति व संदर्भ देखकर अर्थ ग्रहण करना होता। फिर उनका मान्यता है अर्थ निश्चय करने के लिए जिन अर्थों को मुख्य समझा जाता है उनका विस्थापन अन्य अर्थों से करना होता है ताकि वर्चस्व का विखंडन हो सके। फिर अंतिम, मुख्यार्थ यथार्थ की व्याख्या मुख्यार्थ की तरह करता है और उसे मुख्य अंतर्विरोध की तरह देखता हुए दिखाता है, जैसे जगत की नश्वरता का ईश्वर की अमरता से विरोध दिखाकर ईश्वर में उसका विलय कर दिया जाता है। पर विखंडन में अन्यार्थ का विरोध केंद्रीय होकर इस तरह के विलयन को संभव नहीं रहने देता। ये विखंडनवाद के कुछ मूल सूत्र हैं जिन्हें सारे विखंडनवादी मानते हैं। इस विखंडन को अगर आप देखें तो जैसे जो कविता है, जिसमें कविता में तो कल्पना होती है, तो कविता के मुकाबले दर्शन का वर्चस्व रहता है, दर्शन बहुत श्रेष्ठ होता है, दार्शनिक चिंतक बहुत श्रेष्ठ होते हैं, या तर्क के मुकाबले में सत्य का अवतरण होता है, और ज्ञान संरचनाओं के मुकाबले रचनाशीलता को महत्व है, और सामान्य बोध के मुकाबले अंतर्बोध को महत्व है, और सकर्मकता के बजाय अकर्मकता का महत्व है। और ये जो है स्वीकृत वर्चस्वपूर्ण अर्थों को हटाकर अन्य अर्थों को केंद्र में लाने का अर्थ क्या हुआ दरिद्र के अनुसार? एक, अन्य अर्थों की स्वीकृति। आप ये मानो तो सही कि एक दूसरा अर्थ होता है, सिर्फ आप ही नहीं हो, सिर्फ एक ही अर्थ नहीं है, सिर्फ कुत्ता का अर्थ कुत्ता जानवर ही नहीं है, उसके दूसरे भी अर्थ है, उस दूसरे की स्थिति को आप स्वीकार तो करो। तो पहला जो महत्वपूर्ण है कि अन्य अर्थ होता है, ऐसा नहीं है कि एक बात है और वही अंतिम है, कई संभावना। दूसरी बात, अन्य अर्थों के आधार बनाने से पैदा अनिश्चयात्मकता का स्वीकार। अगर आपने मान लिया कि इसका अन्य अर्थ है तो उस अन्य अर्थ का भी विखंडन होएगा और उस सारी विखंडन के कारण अनिश्चय की स्थिति आएगी, पता नहीं होएगा कि अंत में क्या अर्थ है, अर्थ तो बदलता है, ये भी शाश्वत नहीं, ये भी बदल जाएगा, तो अनिश्चय। तीसरा ये कि अनिश्चयों की अनंतता या अमरता, ये जो अनिश्चय होता है वो होता ही होता है, आप किसी चीज़ निश्चित कर ही नहीं सकते, ये अनिश्चयों की अमरता है। ये विखंडनवाद के मूल तीन स्रोत हैं, मूल तीन स्वीकृतियां हैं, इन स्वीकृतियों के आधार पर विखंडनवादी अपना आगे का कार्य करते हैं।
इस विखंडन का उद्देश्य क्या है, क्यों विखंडन जरूरी है। तो इसमें जो पहला उद्देश्य है, श्रेष्ठ और कालजयी साहित्य का पुनर्पाठ। हम क्या करते हैं कि जो श्रेष्ठ कृतियां हैं, श्रेष्ठ कृतियों का एक अर्थ है, उस अर्थ का में कोई नया अर्थ तो आ ही नहीं सकता। नया अर्थ आने के लिए उसको पुराने संदर्भ में विखंडित करके और नए ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा। जिसका सर्वोत्तम उदाहरण है वाल्मीकि रामायण, उस समय उपलब्ध थी, तुलसीदास ने उसका विखंडन करके और रामचरितमानस के रूप में एक नई रचना सामने। तो ये जो पुनर्पाठ है, रामचरितमानस रामायण का पुनर्पाठ है, और ये पुनर्पाठ विखंडन के द्वारा होता है। इसी तरह श्रेष्ठ कृतियाँ श्रेष्ठ क्यों हैं, इसकी व्याख्या करने के लिए भी आपको उसके अर्थ की नई व्याख्या करनी पड़ेगी, आज के संदर्भ में व्याख्या करनी पड़ेगी। चाहे कालिदास हो, चाहे भवभूति हो, चाहे दूसरे हमारे महान रचनाकारों की कृतियाँ हो, उनको हमसे फिर से पढ़ना होगा। अन्यथा पुराने आचार्यों ने कह दिया, उन्होंने अर्थ निश्चित कर दिया, वो अंतिम है, अब हमको उसमें कुछ नहीं जोड़ना, तब उस रचना के पाठ की आवश्यकता समाप्त हो जाती। इसलिए विखंडन का एक काम होता है कि इन कृतियों को फिर से पढ़ें। दूसरा ये कि श्रेष्ठ व्य कालजयी साहित्य को लेख की पाठ से मुक्ति। अब आपके सामने जो कृति आती है वो एक रचनाकार की कृति है, एक लेखक ने उसको लिखा, प्रेमचंद ने गोदान लिखा, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी। तो जब कामायनी लिखी तब तो प्रेमचंद ने लिखी, लेकिन जब वो प्रकाशित होकर के जब मेरे पास आई तो उसका उन लेखकों से कोई संबंध नहीं। 1000-2000 साल बाद में किसी को पता नहीं है कि वो कौन लेखक थे, होंगे कोई लेखक, हमें कोई मतलब नहीं। उस कृति को हम लेखक से मुक्त कर देते हैं और हमारे सामने वो पाठ के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो लेखक कृति का मालिक नहीं है, रचना का मालिक नहीं है। जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा, मेरे लिए जो रामचरितमानस है, या मेरे लिए जो राम की कथा है, या मेरे लिए जो भ्रमर गीत है, मेरे लिए जो कृष्ण कथा है, या मेरे लिए जो महाभारत है, वो मैं बहुत महत्वपूर्ण, मैं उसको अर्थ देता हूँ, पाठक उसको अर्थ देता है। और वो अब उस कृति का अर्थ लेखक पर निर्भर नहीं करता। लेखक अपनी कृति में ये कहना चाहता है, प्रेमचंद अपने रचनाओं के माध्यम से जमींदारों के खिलाफ वक्तव्य देना चाहते हैं, तो चाहते होंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम किसके लिए रचना पढ़ रहे हैं। तो ये जो नया अर्थ जो देगा वो लेखक से मुक्त होकर के पाठक के हाथ में कृति को दे देना, ये विखंडन का दूसरा बड़ा काम है। फिर इस विखंडन के द्वारा संस्कृति का विकास होता। हमारी जो संस्कृति है वो एक तरह की जड़ संस्कृति नहीं है। प्राचीन युग में जो कहा था वो कहा था, लेकिन अब उसके बाद में उस प्राचीनता के उस मध्ययुगीनता से मुक्त होने की ज़रूरत है, और संस्कृति को आधुनिक होना, और संस्कृति को उत्तर आधुनिक होना। तो उत्तर आधुनिक संस्कृति को विकसित करने के लिए कि वहाँ से एक संस्कृति हमारी चली, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति चली, और वो संस्कृति यहाँ तक आई है, और आगे चल के उस संस्कृति का इस तरह से विकास होएगा। इस विकास की सारी जानकारी आपको विखंडन के द्वारा होएगी, क्योंकि प्राचीन कृतियाँ यथावत रूप में उपस्थित है और उनका अर्थ हर युग में बदलता रहता, और उस बदले हुए पूरे जो अर्थ है उसका हमारे पास पाठ मौजूद है। उस सब पाठ को जब हम सामने लाते हैं तब हमें हमारे देश की सांस्कृतिक निरंतरता का पता चलता है कि संस्कृति निरंतर विकसित होती है, और ये विकसित करने का काम विखंडन करता। फिर इनका मानना है कि आलोचना के लोकतंत्र का विकास और विस्तार होता। जब आप गौण अर्थों को महत्व देते हो तो सत्ता के साहित्य में सत्ता का भी वर्चस्व होता है, उसका भी विखंडन होता है, और इस तरह कोई भी आलोचक आपके सामने आता है और वो कृति की नई व्याख्या कर देता। वो गोपियाँ और उद्धव का जो विवाद है, उस विवाद में आमतौर से गोपियों के पक्ष में लोग तर्क करते हैं, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने वैसा ही अर्थ किया। अब कोई नया आलोचक आएगा तो वो उल्टे अर्थ में भी कह सकता है कि वो उद्धव के पक्ष में भी बातचीत कर सकता है। तो अर्थ में एक गुंजाइश होती है कि एक अन्यार्थ की स्वीकृति करते ही आप दूसरे व्यक्ति की सत्ता को भी स्वीकार करते हो, और इससे जो आलोचना है उसके लोकतंत्र का विकास होता है। तो विखंडन का एक अर्थ होता है आलोचना के लोकतंत्र का की स्वीकृति, और उस स्वीकृति के साथ में उसका विकास। फिर ये सारी चीज़ें विखंडन के द्वारा होती, लेकिन इस विखंडन में कि कई सीमाएं भी, कई बार समस्याएं भी आ जाती, जिसमें
पहली समस्या जिसको हमने पहले भी जिक्र किया था कि अति अनिश्चयवाद, आप इस किसी भी जगह पर कहीं तो आप पहुंचोगे, इसका ये मतलब होता है। जब किसी वाक्य का, किसी शब्द का, किसी कृति का, किसी एक्शन का, किसी कार्य का, किसी राजनीतिक व्यवस्था का कोई अर्थ नहीं है, हर अर्थ विघटित हो सकता है, तो जब वो विघटन के विखंडन हो जाता है सबका, तो कहीं आप रुकते नहीं, अनिश्चयता की मात्रा में। तो आप किसी कृति को उस अनिश्चय में ले जाके छोड़ देते हो कि आज ये अर्थ है, कल इसका क्या अर्थ होएगा उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। दूसरा ये कि संकेतित अर्थों के यथार्थ का लोप हो जाता। जब आप दमित अर्थों की श्रृंखला की बात करते हैं कि ये अर्थ भी दमित हो गया, ये अर्थ भी दमित हो गया, तो उसका जो निहितार्थ है, उसमें जो सामाजिक सच्चाई अभिव्यक्त हुई है, वो सामाजिक यथार्थ भी लुप्त हो जाता और आप उसके बारे में कोई निर्णय नहीं कर पाते कि वो किस तरह का। इसी तरह इतिहास के साथ इतिहास बोध का भी विखंडन हो जाता, जो इतिहास की हमारी समझ भी विखंडित हो जाती है। हम जब विखंडन करते हैं कि कालिदास ने ये वर्णन किया मेघदूत का, तो मेघदूत का जब विखंडन हुआ तो आपको ये पुरानी सारी धारणा उस इतिहास की, उस संस्कृति का, सबका आपने विखंडन कर दिया, हमारे इतिहास का भी विखंडन कर दिया, तो इतिहास की हमारी समझ का भी विखंडन हो गया। तो हम उस इतिहास को इतिहास की तरह से नहीं समझ सकते, हमको एक घटना की तरह समकालीन तरीके से हम उसको समझेंगे। अगर ज़्यादा ही खंडन करेंगे तो पौराणिक चीज़ें भी समकालीन लगेगी, आज की लगेगी, और उस अखंडन के कारण हमको ये पता ही नहीं रहेगा कि अतीत काल में ये क्या था। अतीत में दुष्यंत और शकुंतला का जो संबंध था, उस संबंध में जो जातीय भाव दुष्यंत के मन में आया था, वो जाति प्रथा की चेतना का अगर आपने विखंडन कर दिया, उसको आपने समाप्त कर दिया, तो क्या हुआ, समाज में तो वो थी, और जब समाज में थी तो हमको उसका बोध भी था। अब परिवर्तित होने के बाद हम उसको अब नहीं मानते, तब भी उस पूरी इतिहास की जो परंपरा है, उस परंपरा को स्वीकार करना भी जरूरी होता है, और इसलिए इस विखंडन के द्वारा इतिहास बोध समाप्त हो जाता है और हर चीज़ समकालिक हो जाती, आज के ज़माने की हो जाती। तो जब आज के, जब पुरानी चीज़ भी हमको विखंडित करके आज के ज़माने की लगेगी, तो पुरानी का पुरानापन तो समाप्त ही हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों के प्रति ये विखंडनवाद से बहुत दिक्कत, इसलिए ये संपूर्ण दर्शन नहीं है। इसलिए हम उसको ये नहीं मान सकते कि विखंडनवाद आ गया तो अब बस अब हमें साहित्य के किसी और अर्थ की जरूरत नहीं, अनेक अनेक अर्थ हम कर सकते हैं। हमारे प्राचीन टीकाकार हर रचना का कई अर्थ करने की क्षमता रखते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक जगह लिखा है कि उनके किसी मित्र ने बिहारी के सांत पर अर्थ करने की धमकी दी। ये जो सांत पर अर्थ वो सज्जन करना चाहते थे, वो किसके द्वारा संभव होता था, ये दरिंदा के अनुसार अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि ये विखंडन के द्वारा समझ। तो ये विखंडन जो है साहित्य को समझने की नई दृष्टि देते हुए भी कई चीज़ों में इसे समस्या आती है। तो विखंडनवाद का जो मूल संबंध है वो दरिंदा से है। एक ही चिंतक विचारक है जिसने इस विखंडनवाद के सिद्धांत को रखा, और उनकी एक सिंपल सी मान्यता है, साधारण सी मान्यता है कि भाषा में पहले से निर्धारित या निश्चित कर लिए गए अर्थ को विखंडित कर एक ऐसे दूसरे अर्थ को ले जाना जिन्हें मुख्यार्थ गौण बना देता। इसलिए ये मुख्यार्थ को, जो अन्यार्थ है, जो गौण अर्थ वाला है, उसको वापस महत्व स्थापित करना और पुराना जो प्रचलित मुख्यार्थ है उसका विखंडन करना, ये मूल दरिंदा की विखंडनवाद की मान्यताएं हैं, जिसके माध्यम से किसी कृति को, किसी समाज व्यवस्था को, किसी दर्शन को, जीवन को, हम अनेक तरहों से इसकी व्याख्या विश्लेषित कर सकते हैं। और दरिंदा के अनुसार भाषा में सब चीज़ें प्रकट होती है। अगर भाषा में अगर आप किसी का दमन कर रहे होते हो तो वो दमन प्रकट होता है। जैसे हमने पहले उदाहरण आपको दिया कि कबीर ने जो भरतार, राजा राम भरतार, तो ये जो भरतार शब्द है, ये भरतार शब्द स्त्री का या पत्नी का दमन करता, ये जो सामाजिक स्थिति को समझने के लिए भी ये बहुत उपयोगी सिद्धांत के रूप में आधुनिक युग में आया है।